ancient India and main aspects of geography. यानी प्राचीन भारत और भूगोल का उसमें मुख्य पक्ष क्या क्या थे, मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे, उनके बारे में थोड़ा आज डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु काल की। तो हमारे यहाँ पर सिंधु काल में जो ट्रेड चलता था पुराने टाइम में की जो सभ्यता थी उनके बीच में और मिस्र की जो सभ्यता थी के साथ हमारा क्या चलता था, व्यापार चलता था उस टाइम, ठीक है। तो एक वर्ड आता है हिंदसा, ये यूजीसी नेट में पहले आ भी चुका है क्वेश्चन कि हिंदसा क्या होता है। तो अरब जो भाषा है आपकी, अरेबियन जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अरब में अंक को क्या कहते हैं, हिंदसा कहते हैं, ठीक है। यानी अरेबियन जो लैंग्वेज है उसमें कोई भी अंक होता है, कोई भी डिजिट होता है, तो उस अंक को क्या कहा जाता है, आपका हिंदसा कहा जाता है। इसके बाद में आता है कि हमारा, ठीक है, तो विश्व दिवस में हम क्या पाते हैं, यानी आपको इसमें बता दिया गया था कि पृथ्वी पर दिन रात क्या है बराबर होने वाली तिथि कौन कौन सी है, ठीक है। तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होने वाली तिथि पहले ही हमने बता दी थी। तो उसमें हमने जब हमारा एंशियंट टाइम पीरियड है उसमें क्या कहता है कि 21 मार्च को और आपका क्या है 22 दिसंबर, उसमें पहले ही ये बता दिया गया था कि जो आपका दिन रात बराबर किस टाइम होंगे। तो बराबर होने वाले का 21 मार्च और 22 दिसंबर को आपके दिन रात क्या है बराबर होंगे, ये हमने पहले ही अनुमान लगा दिया था। इसके बाद क्या है आपका वसंत विषु और क्या है दूसरा शरद विषु कब होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हमने पहले ही आप अनुमान लगा लिया था। जैसे आपने इंडियन जो महीने उनका नाम भी सुना होगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ अश्विन कार्तिक माघ शीर्ष पौष हुआ इनको, तो वसंत ऋतु कब कब आता है आपका चैत्र मास में। और शरद ऋतु की बात करें तो वो कब माना गया है कि आश्विन मास में आपका क्या होता है शरद ऋतु। इस टाइम हमारे यहाँ पर क्या थी जो ऑब्जर्वेटरीज थी वो बन चुकी थी कुछ, जिसमें क्या था हमने 9 इंस्ट्रूमेंट जो थे वो उस टाइम हमने अलग कर लिए। तो वो ऑब्जर्वेटरी का इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे, एक पहला था आपका चक्रीय यंत्र, चक्रीय यंत्र बोलते इसको, जो आपका साइकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। दूसरा क्या था चाप, तीसरा क्या था तुल्य यंत्र, चौथा क्या था आपका गोल यंत्र, नाड़ी वलय, सॉरी नाड़ी वलय, उसके बाद घटिका। इसके बाद शंकु यंत्र, ठीक है। शंकु यंत्र के बाद क्या है फलक यंत्र, और फलक के बाद क्या है यंत्र। तो ये इंडियन के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमारी उस टाइम की ऑब्जर्वेटरी जो थी, जो आपका नक्षत्र और खगोल शास्त्र जो था आपका, एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी यहाँ पे फिनोमिनास जोड़े गए थे, बात की गई थी उनके कॉन्सेप्ट पे, तो वो सारे 9 जो आपके इंस्ट्रूमेंट थे इनके ऊपर वो डिसाइड किया गया था। है कि जो आपका तुरीय यंत्र था जिसमें क्या था आपका नक्षत्र वगैरह को नापने के लिए उसको यूज किया गया था, तो ये जो आपके वेस्टर्न जो ज्योग्राफर्स थे उसमें इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो तालमी जो महोदय है उन्होंने आपका जो इंडिया का तुरीय यंत्र था इसका अपने ज्योतिषी अपने खगोल के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, ठीक है। तो वो इंडिया से ही लिया गया था। करते हैं कि भारत में क्या है कि जो आपके महाराजा जयसिंह हुए थे उन्होंने कुछ 5 ऑब्जर्वेटरीज का भारत में निर्माण करवाया था, जो उसमें 5 ऑब्जर्वेटरीज कौन कौन सी थी, जो किसने बनवाई थी राजा जयसिंह ने, ये जयपुर के महाराजा थे, ठीक है। इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, पहला कहाँ था जयपुर में,
दूसरी ऑब्जर्वेटरी बनवाई दिल्ली में, तीसरी ऑब्जर्वेटरी बनवाई इन्होंने उज्जैन में, चौथी ऑब्जर्वेटरी इन्होंने बनवाई थी अपनी काशी में, और पांचवी जो ऑब्जर्वेटरी बनवाई वो बनवाई मथुरा में। इस तरीके से पूरे ऑल इंडिया में जो आपके जयसिंह महाराजा है उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी अपने टाइम पीरियड में बनवाई, जिसमें पहला जयपुर में, फिर दिल्ली में, उज्जैन में, काशी में और मथुरा में बनवाई गई थी। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन ज्योग्राफर्स थे पुराने टाइम के, उनमें पृथ्वी की गणना करने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो आपका आर्यभट्ट जो है, उन्होंने पृथ्वी की गणना करके पृथ्वी की परिधि के बारे में हमें बताया, और उन्होंने जो गणना की उसके अनुमान के अनुसार हमारी पृथ्वी कितनी थी, 24.835। ठीक है, इतनी उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की, और जो क्या है आज एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी की परिधि है उसके बराबर है। तो हमारी जो आज की पृथ्वी की घटना वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान परिधि कितनी है पृथ्वी की, तो वो आपके 24901 है, यानी 24901 के आसपास है, जबकि हमने कितना अनुमान लगाया था आर्यभट्ट ने हमारे लिए 24835, जो बिल्कुल इसके करीब था। तो ये क्या है कि लगभग ठीक ठीक उन्होंने अपनी गणना की थी पृथ्वी की परिधि के बारे में। इसके बाद क्या है आपका, जो 12 मिहिर हुए उन्होंने स्टडी करने के लिए कुछ 5 मेथड्स हमारे सामने रखे। 5 मेथड्स कौन कौन से रखे 12 मिहिर ने? पहला जो मेथड था उसका नाम उन्होंने रखा ब्रह्मगुप्त, दूसरा जो मेथड था उसका उन्होंने नाम रखा नल, तीसरा जो मेथड था उसका नाम उन्होंने रखा श्रीपति, चौथा जो मेथड था उसका उन्होंने नाम रखा था वरुण, और पांचवें मेथड का नाम रखा भोजदेव। तो ये 5 मेथड्स दिए उन्होंने स्टडी की उस टाइम हमारे सामने, जो 12 मिहिर द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। पहला ब्रह्मगुप्त, दूसरा लल, तीसरा श्रीपति, चौथा वरुण और पांचवा भोजदेव। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमने उसी टाइम क्या कर लिया था, जो हमारे मकर संक्रांति होती है इसके बारे में हमने उसी टाइम पता कर लिया था कि जब भी सूरज क्या करता है किसी भी एक जो आपकी क्या है लोकेशन में जाना शुरू करता है, यानी 0 डिग्री से इधर की तरफ आना शुरू हो या इधर की तरफ आना शुरू, नॉर्थ की तरफ आएगा तो कर्क संक्रांति होगी, साउथ की तरफ आएगा तो मकर संक्रांति होगी। तो इनके बारे में हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था हमारे एंशिएंट जीडिया के टाइम में। ठीक है, आता है सन्मतर, इंडियन जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की हिस्ट्री उसके उसमें सन्मतर क्या होता है, ये क्या है, हमने पूरे जो ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या दिखाता है, ये जितनी भी आपकी 12 राशियां हैं, ये सूर्य का क्या करती है, एक बार एक स्थिति को पूर्ण कर लेती है, और इसे एक स्थिति, ये जो 12 राशियां सूर्य की एक स्थिति को पूर्ण कर लेती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, सन्मतर कहा जाता है। जितने भी हमने ऑब्जर्वेटरी से, जितने भी आपके क्या है इंस्ट्रूमेंट थे उससे जितनी भी गणनाएं की, तो उस टाइम हमने क्या करा, हमारे जितने भी नक्षत्र थे उनकी संख्या हम डिसाइड कर चुके थे। तो हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी खोज हुई उसमें हमारे टोटल जो नक्षत्र हमने डिसाइड किए उस टाइम वो 28 डिसाइड किए थे कि हमारे यहाँ पर 28 नक्षत्र है। ब्रह्मांड हिस्ट्री है आपकी ज्योग्राफी की, उसमें टाइम पीरियड्स की भी बात की गई है कि इंडिया को क्या करते हैं, वर्ल्ड को क्या किया हमने टाइम पीरियड में बांटा। जैसे आप अभी सुनते हो कि 1 साल 365 दिन का होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो इस तरीके से ये गणना हम पहले हमारे जो हमारे पुराने जो जितने भी इतिहास है हिस्टोरिकल उस सालों में हम क्या कर चुके थे, इसका अध्ययन कर चुके थे। उस टाइम पीरियड की देखे, किस तरीके से हमने बांटा हुआ था, उनका नाम अलग अलग हमने रखा था कि एक दिन कितने का होगा, यहाँ मान उनका मान रखे थे वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे उसका टाइम पीरियड टाइम। अब एक दिन कितने का होगा, 60 घड़ी का होगा,
एक घटी कितने दिन की होगी, या एक घटी में कितने पल होंगे? एक दिन 60 घटी, एक घटी 60 पल, एक पल 60 विपल, फिर उसके बाद एक विपल लीक्षक। तो इस तरीके से हमने इंडियन टाइम पीरियड को अलग अलग उसमें बांटा हुआ था। जैसे हम आप बात करते हैं कि एक दिन क्या है 24 घंटे का, फिर एक घंटा क्या है आपका 60 मिनट का, फिर एक मिनट आपका 60 सेकंड का। तो इस तरीके से हमने उस टाइम बांटा हुआ था इसको कि एक दिन आपका 60 घटी का होगा, एक घटी आपकी 60 पल की होगी, एक पल आपका 60 विपल का होगा और एक विपल आपका 60 लीक्षक का होगा। तो ये हम पुराने टाइम में ही हम इस चीज को जान चुके थे। इसके बाद आप सभी ने देखा होगा कि एक आपका, जैसे आप बात करते हैं इसकी लीप वर्ष की, और जिसमें आपका क्या होता है दिन 366 के होते हैं एक साल के, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम क्या कर चुके थे, हमारे एंशियंट टाइम में ही स्टडी कर चुके थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक चंद्रमास, चंद्रमास तो होगा आपका 29.5 दिन का, दिन रात, ठीक है। एक सौर वर्ष की आप बात करें कि एक सौर वर्ष कितने का हो, जैसे आपकी बात करें एक सौर वर्ष कितने का होता है, तो 365 दिन का हम लगाते हैं। तो उसमें भी उसी टाइम हमने गणना कर लिया था कि 365 दिन 1/4 दिन, ठीक है, ये हम उस टाइम ही जान गए थे इसके बारे में। इसके साथ साथ हमने ये देख लिया था कि एक चंद्र वर्ष कितने दिन का होता है, तो उस टाइम हमारे, हमने जो गणना की थी उसमें देखा था कि 354 दिन रात में हमारा एक चंद्र वर्ष जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो साइकिल है आपकी टाइम पीरियड की और जिसके वर्ष में कितने दिन हो गए इनकी, तो ये हम हमारे पुराने उस जो आपका इतिहास है उसमें हम देख सकते हैं कि हम पहले से इसको क्लासिफाई कर चुके थे। इसके बाद एक आता है आपका एक सौ वर्ष कितने दिन का था, मैंने अभी आपको बताया कि 365 से 1/4, तो हम क्या करें इसको, इसको हम इंडियन जोन में तभी ले चुके थे, यानी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, तो ये 36 सेकंड, तो ये पूरा 100 वर्ष होता है आपका, जिसमें एक साल पूरा, जो एक साल का टाइम पीरियड होता है एक साइकिल होता है वो पूरा कवर कर लेता है। ये काफी बार यूजीसी टाइप में पूछा भी जाता है, जिसमें आपको सीक्वेंस दे दी जाती है, जैसे 365 दिन है तो 366 दिन 5 घंटे 36 सेकंड, 36 मिनट 48 सेकंड, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे और आपको टिक करना होता है कौन सा ठीक है। तो 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होती है और 36 सेकंड होते हैं, उन इन सारों को मिलाकर आपका क्या बनता है, एक सूर्य मास बनता है। बाकी कलाओं की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि चंद्रमा क्या है, आपका जो कलाएं होती है वो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि पूरा मास होते होते कभी छोटा होना शुरू होता है, तो कभी छोटे से वो पूरा बड़ा होता होता क्या होता है, पूरा होना शुरू होता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक तो चंद्रमा की कलाएं कैसी होती है, बढ़ती जाती है, और यानी अमावस्या से पूर्णिमा, तो चंद्रमा की कलाएं कैसी होगी, बढ़ती हुई होंगी, और पूर्णिमा से अमावस्या को वापस चंद्रमा की कलाएं घटना शुरू हो जाती, तो घटती हुई होंगी। तो ये सब हमने क्या है, हमारे पुराने टाइम में ही हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। इसके बाद हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति थी, हमने उस टाइम में इसको डिसाइड कर लिया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण क्या, चंद्र ग्रहण कैसे होगा, पहली बार चंद्र, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के समय होता है, ठीक है, और इसमें क्या स्थिति होती है, जब सूर्य और क्या है चंद्रमा के बीच में, सन और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब क्या स्थिति बनती है आपकी, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के टाइम होता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब क्या हो, एक तो पहली बात तो अमावस्या वाले टाइम पीरियड में होता है, दूसरा क्या है, जब क्या हो सन और अर्थ
के बीच में क्या आ जाए, अब मून आ जाए, तो उस टाइम क्या स्थिति होती है आपकी, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसके बारे में कुछ प्राचीन नाम आते हैं नदियों के, एंशंट नेम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन में भी आता है और आपका यूजीसी नेट में भी काफी बार पूछे जाते हैं कि नदियों का वर्तमान नाम क्या है और उसका प्राचीन नाम क्या है। तो दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो आपको दे सकता है जैसे आपका नाम दे दिया रावी, और उस इधर इसका नाम दे दिया कुछ जैसे आपका सुद्री, ठीक है, यहाँ पर कुछ और नाम दे दिया किसी रिवर का, चिनाब, चिनाब का नाम दे दिया इसने आस्किन। तो आपसे या तो ये पूछेगा इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा ठीक है, तो इसमें ये वाला जोड़ा ठीक है तो आपको ये टिक करना होता है, या फिर आपको मिसमैच वाले क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको इधर रिवर्स के नाम दे देगा और इधर इनका क्या दे देगा क्वेश्चन, ये इधर इनकी दूसरा सीरीज में नाम दे देगा, इधर आपका एबीसी ऐसे कुछ भी दे देगा सीरीज, इधर आपकी क्या दे देगा 1 2 3 ऐसे सीरीज दे देगा, इधर रिवर्स के नए नाम इधर पुराने नाम, और आपको क्या करना होगा वो मिसमैच करके यहाँ पे आपको ए बी सी डी कोड दे देगा, इसके साथ में आपको मैच करना होगा, ठीक है। तो जोन सा ठीक होता है उसको आपको टिक करना होता है, या फिर ये दो पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछता है, इससे इनके वर्तमान नाम है तो ब्रह्मपुत्र जो है इसको लोहित के नाम से जाना जाता है, ये यूजीसी नेट में आ भी चुका है, ब्रह्मपुत्र वाला जो है आपका इसको पूछा भी जा चुका है, ब्रह्मपुत्र का प्राचीन नाम क्या है या लोहित से आप क्या समझते, तो लोहित किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर का एंशंट नाम है, ठीक है। तो ये आपके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम है रिवर्स के, इनका यूजीसी नेट में काफी बार पूछा जाता है, जैसे सतलुज को शुतुद्धि कहते हैं, रावी को परुषनी के नाम से जाना जाता था, चिनाब जो रिवर थे उसको अस्किन के नाम से जानते थे, व्यास जो रिवर थे उसको विपास के नाम से जाना जाता था, झेलम को वित्सता के नाम से जाना जाता था, गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता था, काबुल को कुंभा के नाम से जाना जाता था, क्रमो को क्रमु के नाम से जाना जाता था, घग्गर को दशदवती कहा जाता था, ब्रह्मपुत्र को लोहित नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रिवर्स है सारी की सारी, और इनकी इम्पोर्टेंट एंशिएंट नेम है। तो ये सभी के बाद हमने क्या क्या हुआ, आपकी जो प्राचीन जो ज्योग्राफर्स हुए हैं, एंशिएंट ज्योग्राफर्स, प्राचीन जो विद्वान हुए हैं आपके, उन्होंने हमारे जो लैंड थे उसके अलग अलग नाम कर दिए थे, अलग अलग हर के, जो आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको अलग नाम दे दिया, कोई अगर अनफर्ट तो उसको अलग से नाम दे दिया। तो जैसे उन्होंने क्या करा, अपना जल प्लावित भूमि, यानी कोई क्या है आपकी वेटलैंड है तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, केदार नाम दिया, यानी जहां पर जल सारे टाइम भरा रहता था उस भूमि को किस नाम से जानते थे एंशंट में, वो केदार के नाम से जानते थे। इसके बाद कोई भूमि जो है अनुपयोगी है या फिर अनफर्टाइल है उसको किस नाम से जानते थे उस टाइम पीरियड में, ऊसर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या है, जहां पर पशु चारा के लिए या पशुओं को चराया जाता था उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था उस टाइम, गोचर के नाम से जाना जाता था। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है गो और चर, तो इसमें क्या है कि आपके पशुओं को चराने वाली जो भूमि है वो क्या कहलाती है, गोचर कहलाती है। इसके बाद जो आपकी जोती हुई भूमि थी जिस पर एग्रीकल्चर होती थी, ठीक है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता था प्राचीन टाइम में, सिप्ते के नाम से जाना। तो ये अलग अलग नाम है, केदार, ऊसर, गोचर और सिप्ते, जिसमें क्या है हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ था हमारे लैंड का, अगर आपकी वो वेटलैंड है तो उसको किस नाम से जानेंगे, अगर आपकी अनफर्टाइल है या फिर आपकी फैलो लैंड है तो फैलो लैंड को ऊसर के नाम से जानेंगे, पशु की चारण भूमि की लैंड है तो उसको गोचर के नाम से जानेंगे, ज्योति हुई भूमि है आपकी जो उसको सिप्ते के नाम से जाने। तो उसको हमने अलग अलग भागों में इसको बांटा हुआ था। होगा क्रॉप जब भी हम उगाते हैं तो उसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे किसी कोई अगर राइस डोमिनेंस वाला है तो हम उसको क्या देते हैं, चावल उत्पादक क्षेत्र, कोई अगर गेहूं डोमिनेंस वाला क्षेत्र है तो उसको हम क्या देते हैं, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो इसी तरीके से हमने पुराने टाइम में भी हमने फसलों के नाम के आधार पर हमने उनके रीजन जो है उसको अलग अलग नाम दिए हुए थे, जैसे जो की भूमि है अगर कहीं पर जो भूमि है जो उगाई जाती है फसल तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे, भव्यम के नाम से जानेंगे,
ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, अगर कहीं पर दालों को उगाया जा रहा है तो उसको किस नाम से जानेंगे, माशम के नाम से जानेंगे। इसके बाद क्या है, कहीं पर अगर तिलहन उगाया जा रहा है तो उस तिलहन की भूमि को किस नाम से जानेंगे, तिलम के नाम से जानेंगे। तो ये हमारे